गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, पहले मैंने 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट करा दिए थे, आज मैं आपको चैप्टर 4 कराने वाली हूँ। और चैप्टर 4 का नेम है फनी जुएन। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ। सबसे पहले बच्चों, आप अपनी बुक्स में और नोटबुक्स में क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो इंग्लिश फर्स्ट का वर्क है वो इंग्लिश फर्स्ट की नोटबुक में करेंगे, और इंग्लिश सेकंड का वर्क इंग्लिश सेकंड की नोटबुक में करेंगे। क्लियर, ये समझ में आ गया। और साथ ही साथ बच्चों, आपको क्या करना है कि आपको राइटिंग कैसे लिखनी है। स्पेशली मैं इस चीज़ के लिए मैं ज़रूर बोलती हूँ, तो आपको राइटिंग नीट एंड क्लीन करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुएन वॉज लेज़ी, लेजियर देन एनी अदर बॉय। जुएन अन्य लड़कों की अपेक्षा अधिक आलसी था। हिज मदर सेंट हिम टू द मार्केट टू ब्रिंग सम गुड्स फॉर द हाउस। देखिए, उसकी माँ ने घर के लिए कुछ चीज़ें लाने के लिए मार्केट से उसको भेज दिया। किसको? जुएन को भेज दिया। कुड ही सेटिस्फाइड हिज मदर, क्या वो अपनी माँ को संतुष्ट कर सका। लेट्स रीड एंड इन्जॉय हिज फनी स्टोरी। आइए पढ़ते हैं और ये जो फनी स्टोरी है इसका आनंद लेते हैं। चलिए। जुएन लिव्ड इन फिलिपीनीज। जुएन फिलिपीनीज में रहता था। ही वॉज नॉट ओनली लेजी बट ऑल्सो स्टूपिड। वह केवल आलसी ही नहीं था बल्कि एक बेवकूफ़ भी था। ही लव्ड टू स्पेंड हिज टाइम स्लीपिंग और लाइंग लेजीली अंडर द सन। वो क्या करता था बच्चों, कि वो अपना जो समय था वो सोने में और सूरज और सोने में और धूप में लेटने में ही बिता दिया करता था। कौन बिता दिया करता था? जुएन। इट वॉजंट दैट ही डिड नॉट लव टू प्ले, यही नहीं था वो खेलना भी पसंद नहीं करता था। बट ही लव्ड टू लाई लेजीली मोर देन दैट एवरी वन। तो यहाँ पर बच्चों ये बताया गया है, लेकिन वो क्या करता था कि वो अन्य बच्चों की अपेक्षा वो उसको आराम करना अधिक अच्छा लगता था, वो आराम करने को ज़्यादा पसंद करता था। इंक्लूडिंग हिज मदर वॉज फेड अप विद हिज हैबिट ऑफ जुएन। उसकी जो माँ थी वो क्या थी, जुएन की आदतों से बहुत ज़्यादा फेड अप, मीन्स परेशान थी। दे ऑफन स्कॉल्डेड हिम बट देर वॉज नो चेंज इन हिम। वे क्या करते थे, वे अक्सर उसको डांटते रहते थे, जुएन को डांटते रहते, जो भी उसकी आदतें थी। बट उसके अंदर क्या था, लेकिन उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वन डे जुएन वॉज लाइंग अंडर द स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री। बच्चों, इस मीन्स होता है इमली का पेड़। एक दिन इमली के पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था। तो ही हैड ऑलरेडी स्लेप्ट द होल मॉर्निंग। वह पहले से ही सुबह से ही सोया हुआ था। सडनली ही हर्ड हिज मदर वॉइस। अचानक से उसने अपनी माँ की आवाज़ को सुना। वॉइस मीन्स होती बच्चों आवाज़। जुएन वे आर यू। जुएन आप कहाँ हो। स्लीपिंग अगेन, वह पुनः सो गया। यू आर द लेजिएस्ट बॉय आई हैव एवर सीन। आप सबसे आलसी लड़के हो, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। यू स्लीप द मॉर्निंग अवे वाइल फादर वर्क्स हार्ड इन द फील्ड। आप सुबह से ही सोए हुए हो जबकि पिताजी खेत में कठिन परिश्रम करते हैं। वॉट शैल आई डू विद यू। मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। देखिए नेक्स्ट है बच्चों। जुएन गट अप रब्ड हिज आईज एंड स्ट्रेच हिज आर्म्स लेजीली। जुएन खड़ा हो गया, उसने अपनी आँखों को मलने लगा और उसने जो भुजाएं थी वो फैला दी। मदर केम आउट ऑफ द हाउस एंड मेड जुएन एट द डोर। मदर जो थी, उसकी मम्मी जो थी, वो घर के बाहर निकल के आई और दरवाजे से ही जुएन से मिली। गो टू द मार्केट, बाजार जाओ एंड बाय सम साल्ट एंड 5 लिव क्रैप्स। बाजार जाइए, कुछ नमक और 5 लिव क्रैप्स, कुछ क्रैप्स केकड़े, 5 केकड़े खरीद के लाइए। डोंट प्ले ऑन द वे एंड कम होम क्विकली, सी सैड। उसकी माँ ने कहा कि
रास्ते में खेलना नहीं है आपको और शीघ्र ही घर वापस आना है। जोएन टुक द मनी फ्रॉम हर एंड सून ही वॉज ऑन हिज टू द मार्केट। जोएन ने क्या किया कि अपनी माँ से पैसे ले लिए और शीघ्र ही वह बाजार के रास्ते में था। आफ्टर रीचिंग द मार्केट पहुँचने के बाद ही सा एन ओल्ड वूमेन सेलिंग क्रेप्स। उसने एक वृद्ध महिला को देखा जो कि क्रेप्स बेच रही थी। क्रेप्स मैंने आपको इसका मीनिंग बच्चों पहले ही बता दिया है। ही पिक्ड अप अ लॉन्ग स्टिक एंड पोक्ड एट द क्रेप। उसने क्या किया कि उसने एक लंबी छड़ी को उठाया और पोक्ड एट द क्रेप्स, और जो क्रेप्स थे ये जो आप देख रहे हो पिक्चर्स में, इनको क्रेप्स को कैकड़े को क्या वो कुरेदने लगा। तो ये था बच्चों आज का होमवर्क।